नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों पढ़ेंगे अपन सुपर फास्ट बेच का लेक्चर नंबर सेकंड। तो फर्स्ट लेक्चर में दोस्तों अपन ने कुछ एक क्वेश्चन आंसर किए थे, लगभग वो 25 क्वेश्चन आंसर थे। यदि आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा तो आप लोग जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ मैं, तो वहाँ से जो है आप लोग उस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। मैंने आपको बताया था दोस्तों, यदि आप लोगों को इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का कुछ भी नहीं पता तो भी आप लोग जो है इन लेक्चर्स को कंप्लीट देखें, अच्छे से देखें। आपको बिल्कुल नहीं आता पहले से तो भी जो है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर जो है अपन उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन क्वेश्चन आंसर से जो है आपका थ्योरिटिकल पोर्शन, आपका न्यूमेरिकल पोर्शन, या फिर जितने भी सूत्र हैं या जितने भी मात्रक है, कंप्लीट चीज़ें जो है आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन है आज का अपना, फर्स्ट क्वेश्चन ओम का नियम लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन आज का ओम का नियम लिखो। तो दोस्तों ओम का नियम कैसे किसे बोलते हैं अपन, कि किसी किसी डीसी बंद परिपथ में, किसी डीसी बंद परिपथ में स्थिर भौतिक अवस्थाओं पर, स्थिर भौतिक अवस्थाओं स्थिर भौतिक अवस्थाएं मतलब जैसे तापमान, या फिर अपन बोल सकते हैं लंबाई, तापमान या फिर लंबाई, ठीक है, पर स्थिर भौतिक अवस्थाओं पर किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, विभवांतर को अपन किससे दर्शाते हैं दोस्तों, वी से, उत्पन्न विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा, धारा को अपन आई से रिप्रेजेंट करते हैं, धारा के समानुपाती होता है। तो ये ओम का नियम है दोस्तों। कैसे समझ सकते हैं अपन इसको, ये कोई चालक तार है, ठीक है, इसमें आई विद्युत धारा बह रही है, तो इसके सिरों के ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दोस्तों, इसके सिरों के ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो इस धारा के डायरेक्टली समानुपाती होगा। ये क्या कहलाता है, ओम का नियम कहलाता है। किसी, ये क्या है, ये चालक में जो वोल्टेज है वो समानुपाती होता है किसके, धारा की, ठीक है। उतारो इसे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, ओम के नियम हेतु सत्य कथन है। तो इसमें सपोज दैट ऑप्शन ए है वी इज इक्वल टू आई आर, ऑप्शन बी है दोस्तों आई इज इक्वल टू वी बटे आर, ऑप्शन सी है आर बराबर वी बटा आई, आर बराबर वी बटा आई, ओम के नियम हेतु सत्य कथन है। तो दोस्तों ओम के नियम में देखो, आपको बताया वी समानुपाती आई होता है ना, यहीं से आता है वी बराबर आई आर, ठीक है, इतना सा तो पता ही होगा, आईटीआई वाले सभी स्टूडेंट्स को इतना तो पता होता है, पक्का है, ठीक है, नहीं पता तो भी कोई बात नहीं, वी बराबर आई आर होता है दोस्तों, वी समानुपाती आई तो वी बराबर आई आर होता है, ठीक है, यहाँ पे v बराबर आई आर ये होता है। अब यहीं से देखो दोस्तों, यदि v बराबर आई आर है तो i बराबर क्या होगा, v बटे r, i बराबर v बटे r, r बराबर v बटे i, ऑप्शन डी है ये सभी। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये भी सही है और ये भी सही है, तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी, ये सभी, ये सारे के सारे क्या है, सही है, ठीक है। इसको दोस्तों काफ़ी जो टीचर्स लोग हैं वो ऐसे भी बताते हैं, बुक्स वगैरह में आपके बना रखा है, यहाँ V है तो यहाँ I और यहाँ R, V बराबर आई आर, तो I बराबर V बटे R, I बराबर क्या हो जाएगा V, ये बटा R,
और आर बराबर क्या हो जाएगा, वी बट्टा, ये बट्टा है, बट्टा आई, ठीक है। तो ऐसे जो है आप लोग नॉर्मली ये तीनों चीज याद रखोगे। वैसे आप सिर्फ ये याद रखो, v बराबर आई आर याद रखोगे दोस्तों, तो i बराबर क्या हो जाएगा, v बटे आर, और r बराबर क्या होगा, v बटे आई, ठीक है, दैट्स ऑल, ठीक है, उतारो। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद में दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रतिरोध किसे कहते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, रेसिस्टेंस, प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो दोस्तों प्रतिरोध किसे कहते हैं, धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा, धारा, धारा के मार्ग में, मार्ग में उत्पन्न बाधा, उत्पन्न बाधा को, धारा के मार्ग में, धारा के मार्ग या फिर आवेश प्रवाह के मार्ग को भी बोल सकते हो अपन, ठीक है, आवेश जो प्रवाह होते हैं उसके मार्ग में या फिर धारा के मार्ग में जो उत्पन्न बाधा है उसी को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस, रेसिस्ट करना मतलब रोकना, तो ये बाधा ही तो हो गई एक तरीके से, है कि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर्थ, प्रतिरोध का प्रतीक तथा मात्रक लिखो, प्रतिरोध का प्रतीक तथा मात्रक लिखो, तो दोस्तों आंसर होगा प्रतिरोध का प्रतीक होता है दोस्तों, प्रतीक होता है दोस्त आर, प्रतीक क्या होता है आर, और मात्रक होता है दोस्त ओम, मात्रक क्या होता है ओम, मात्रक होता है प्रतिरोध का ओम, प्रतिरोध का प्रतीक आर और मात्रक ओम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध किन 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 है, प्रतिरोध किन किन कारकों पर, किन किन कारकों पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो मेरे दोस्त प्रतिरोध जो है वो चार कारकों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध में कितने अक्षर है दोस्त, चार अक्षर है, प्रतिरोध कितने कारकों पर निर्भर करेगा, चार कारकों पर, कौन कौन से कारक होते हैं दोस्तों, चार कारकों पर, कौन कौन से हैं दोस्त, फर्स्ट है चालक की लंबाई, चालक का ही होता है ना प्रतिरोध, प्रतिरोध किसका होता है, चालक का, तो फर्स्ट है चालक की लंबाई, लंबाई को अपन एल से दर्शाएंगे, लंबाई लेंथ, ठीक है। सेकंड होता है दोस्तों चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्र, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र एरिया, ऐसे दर्शाएंगे, ठीक है दोस्तों। थर्ड होता है तापमान टेम्परेचर, तापमान टी टेम्परेचर, टी फॉर टेम्परेचर, ठीक है। और एक लास्ट जो कारक होता है जिसके ऊपर प्रतिरोध निर्भर करता है वो होता है दोस्तों चालक के पदार्थ की प्रकृति, यानी कि जैसे मान लो ये तार है तांबे का, ठीक है, तांबे का तार है, हालांकि मार्कर है बट मान लो तांबे का तार है, तो इसका जो प्रतिरोध है वो तांबे की जो प्रकृति होती है, पदार्थ की प्रकृति, जैसे तांबे का तार है इतना ही लंबा तो उसका प्रतिरोध कुछ अलग होगा, लोहे का तार है तो अलग होगा, सोने का तार है तो अलग होगा, एल्यूमिनियम का तार है तो अलग होगा, ठीक है, तो उसको पदार्थ की प्रकृति बोलते हैं। तो फोर्थ होता है पदार्थ की प्रकृति, चालक के पदार्थ की प्रकृति, चालक के पदार्थ की प्रकृति, इन चार कारकों पर जो है चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। यस, उतारो दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर सिक्स, यदि आई बराबर दो एम्पियर, यदि आई बराबर दो एम्पियर, अरे आई विद्युत धारा है, दो एम्पियर, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, आर बराबर दो ओम, आर बराबर दो ओम हो तो वी बराबर कितना होगा मेरे दोस्त, वी बराबर होता है ओम के नियम से वी बराबर आई गुना आर, ठीक है। यहाँ पे यदि अपन आई का मान रखेंगे दो तथा आर का मान रखेंगे दो, आई भी कितना है दो, आर भी कितना है दो, तो दो दूनी चार, मैं तेरा यार, ठीक है, दो दूनी
चार, कितना आंसर आएगा दोस्त, 4 वोल्ट। ठीक है, आंसर 4 वोल्ट ये आ जाएगा इसका आंसर। आ रहा है समझ में, वी बराबर आई आर ओम के नियम से। ठीक है, यदि अपन को आई दे रखा है और आर दे रखा है तो सिंपल सा फॉर्मूला है वी बराबर आई आर, ये पटकेंगे और यहाँ पे आंसर पता करेंगे। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी चालक का प्रतिरोध 8 ओम है, चालक का प्रतिरोध कितना है दोस्त, 8 ओम है, यदि उसके सिरों पर 24 वोल्टेज आरोपित किया जाता है, कितना वोल्टेज, 24 वोल्टेज आरोपित किया जाता है, तो उस चालक में से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो, उस चालक में से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो। ठीक है, अरे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, आर कितना दे रखा है 8 ओम, ठीक है, वी कितना दे रखा है 24 वोल्ट, वी कितना दे रखा है 24 वोल्ट, ज्ञात क्या करना है दोस्तों, आई ज्ञात करना है। ठीक है, आई बराबर होता है दोस्तों वी बटे आर, आई बराबर होता है वी बटे आर, वी का मान रखेंगे, वी बराबर कितना है दोस्त 24 वोल्ट और आर कितना है 8 दिया 24, 3 विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर आ गया आंसर। ठीक है, 3 एम्पियर, तो विद्युत धारा कितनी बहेगी दोस्तों उसमें, प्रवाहित धारा का मान कितना होगा 3 एम्पियर। यस, उतारो इसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, परिपथ में प्रवाहित धारा का मान होगा, तो परिपथ क्या है दोस्तों, परिपथ बहुत ही सिंपल सा है, एक रेसिस्टेंस है। ठीक है, अभी एक ही रेसिस्टेंस ले लेते हैं अपन, ये कोई सेल या बैटरी है दोस्तों। ठीक है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ 24 वोल्टेज है, यहाँ जो है 4 ओम है। ठीक है, इसमें से प्रवाहित धारा का मान पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये कुंजी लगी हुई है दोस्तों, ये कुंजी लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, स्पेशली याद रखो कि यदि कुंजी का स्विच, ये जो स्विच है, ये स्विच का सिंबल ऐसा ही हो, तो ये खुला परिपथ है, खुले परिपथ अवस्था में कोई धारा नहीं बहेगी, ये जो स्विच है ये बंद होना चाहिए और बंद के लिए यहाँ पे डॉट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान होगा दोस्तों, यहाँ वोल्टेज दे रखा है कितना 24 वोल्ट, कितना दे रखा है 24, और रेसिस्टेंस कितना दे रखा है 4 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे हल आंसर जो है इसका, आई विद्युत धारा जो है यदि अपन ज्ञात करेंगे तो आई बराबर होता है दोस्तों वी बटे आर, वी कितना है 24, आर कितना है 4 6 चौका 24, 4 से 24 है, 6 बार मरेगा तो आंसर आएगा 6 एम्पियर, कितना आएगा दोस्त 6 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, एक चालक का प्रतिरोध, एक चालक का प्रतिरोध 2 ओम है तथा इसमें से 24 एम्पियर मान की धारा प्रवाहित हो रही है, तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, दोस्तों ऐसे भी पूछ सकता है, चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर भी पूछ सकता है। ठीक है, चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर की गणना करो। वोल्टेज यहाँ पे पूछा है दोस्तों, प्रतिरोध कितना है 2 ओम। ठीक है, विद्युत धारा कितनी बह रही है 24 एम्पियर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा वोल्टेज इज इक्वल टू आई गुना आर। वोल्टेज कितना है, ये वोल्टेज अपन को ज्ञात करना है, विद्युत धारा कितनी है 24 एम्पियर, 24 एम्पियर गुना आर, प्रतिरोध कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 24 गुना 48 वोल्ट, 48 वोल्ट। ठीक है, उतारो इसे। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है, ओम का नियम
लागू होगा। दोस्तों ऑप्शन है यहाँ पे केवल डीसी पर, ऑप्शन बी है केवल एसी पर, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है एन ओ टी ए नोटा नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ओम का जो नियम है वो एसी व डीसी दोनों पर लागू होता है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ए व बी दोनों, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं, ओम के नियम का पालन करते हैं कहलाते हैं। वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं क्या कहलाते हैं? दोस्तों ओम का नियम का जो पालन करते हैं वो कहलाते हैं ओमिक रेसिस्टेंस। तो इसका राइट आंसर होगा ओमीय प्रतिरोध, या फिर इसको डायरेक्टली अपन ओमिक रेसिस्टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है, ओमिक रेसिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12th, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि R बराबर 8 ओम हो तो इस प्रतिरोध पर कितना वोल्टेज आरोपित करें ताकि इस प्रतिरोध में से 3 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, 3 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, अपन को देखो R कितना दे रखा है 8 ओम, ठीक है, धारा कितनी दे रखी है 8 ओम, धारा कितनी दे रखी है दोस्तों 3 एम्पियर, कितनी I बराबर 3 एम्पियर। तो अपन को वोल्टेज पूछा है तो वोल्टेज बराबर होता है I गुना R, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I कितनी है 3, R कितना है 8, तो ये कितना आएगा 24 वोल्ट। दोस्तों अपन को, अरे सिंपल सा है यार, क्या दे रखा है, प्रतिरोध दे रखा है, उसमें से विद्युत धारा कितनी प्रवाहित करानी है 3 एम्पियर प्रवाहित करानी है, तो वोल्टेज अपन कितना, V बराबर IR, ओम के नियम से V बराबर IR, तो क्या हो जाएगा I गुणा R, 3 गुणा 8 कितना हो जाएगा 24 वोल्टेज, ठीक है, उतारो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, एक धनावेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ा जाए, तो विद्युत धारा की दिशा होगी। दोस्तों ऐसा बोल रहा है कि एक पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और एक वस्तु है जो धनावेशित है, कैसी है, धनावेशित, ठीक है, धनावेशित वस्तु है। यदि इन दोनों को आपस में जोड़ें तो अपन को विद्युत धारा की दिशा बतानी है, ठीक है, धारा की दिशा। तो दोस्तों जब धनावेशित वस्तु को अपन पृथ्वी से जोड़ते हैं तो विद्युत धारा जो है वस्तु से पृथ्वी की ओर, ये क्या है, वस्तु है, विद्युत धारा की दिशा जो है, दिशा वो क्या होगी, वस्तु से पृथ्वी की ओर, ये करंट की डायरेक्शन होगी।
तो आंसर होगा इसका वस्तु धनावेशित वस्तु से पृथ्वी की ओर, धनावेशित वस्तु से पृथ्वी की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, यदि ऋणावेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ा जाए तो, ऋणावेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ा जाए तो धारा की दिशा होगी, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, अब यहां पे वस्तु कैसी है, ये पृथ्वी है और वस्तु कैसी है, ऋणावेशित वस्तु है, कैसी है दोस्त, ऋणावेशित, तो धारा की दिशा जो है वो पृथ्वी से वस्तु की ओर होगी, पृथ्वी से वस्तु की ओर, ठीक है, ये दिशा होगी, उतार लो इसे। यस, उतार लिया। इसके बाद में देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ाई करते रहो, बिल्कुल अपने आप को रूटीन में रखो, ऐसा नहीं कि बैठे बैठे जंग लग जाए दिमाग में अपने, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, क्या है कि यदि दो समान विभव, की वस्तुओं को आपस में जोड़ा जाए, तो धारा का मान कितना होगा, दोस्त मेरे ये बोल रहा है कि समान विभव, दो समान विभव की वस्तुएं हैं उनको आपस में अपन जोड़ रहे हैं, जैसे मान लो दोनों मार्कर है समान पोटेंशियल के हैं, ठीक है, इनको यदि अपन आपस में जोड़ेंगे तो धारा का मान कितना होगा। दोस्तों दो समान विभव वाली वस्तुओं के मध्य धारा कभी भी प्रवाहित नहीं हो सकती, समझ रहे हो बात को, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जीरो, एम्पियर, शून्य धारा जो है प्रवाहित होगी। ऐसे समझो यार, जैसे मान लो चार वोल्टेज की कोई ये वस्तु है और चार वोल्टेज की ही ये वस्तु है, तो यहां धारा का मान कितना होगा मेरे दोस्त, जीरो होगा, ये समान विभव हो गया ना, कैसा विभव हो गया, ये जो है समान विभव हो गया, तो समान विभव है तो करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, आवेश का स्थानांतरण नहीं होगा, अतः धारा का मान क्या रहेगा दोस्त, जीरो रहेगा, ठीक है, उतारो इसे, तो उतार लो। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, साथ ही साथ जो आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं, उनसे निवेदन है कि आप लोग जो है इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, ताकि हमारी वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन जो है तुरंत मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग कंटिन्यू जो है रेगुलर हमसे जुड़े रहिए, ताकि आप लोगों का जो नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ऊपर उठे, आपके नॉलेज का स्तर जो है काफ़ी ऊपर उठे, और हम कोशिश करेंगे दोस्तों कि रेगुलर जो है आपको बिल्कुल जीरो लेवल से, लेके हाई लेवल तक के क्वेश्चंस जो है कंप्लीट आपको करवाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ा दिया, पाँच दस दिन तक नहीं पढ़ाए, ऐसा नहीं है,
रेगुलर जो है आपकी क्लासे रहेगी, कोई बाय चांस कभी एक आध बार होता है जब हम वीडियोस वगैरह अपलोड नहीं करते। साथ ही साथ ये भी मैं आप लोगों को स्पेशली जो है एक सजेशन है कि आप लोग जल्दी से जल्दी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो है कुछ समय बाद जो है हम लाइव क्लासेस लेके आने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।